नमस्कार, हिंदुस्तान टुडे देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ भूमिका। आइए देखिए खबर। छीमा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 8 नंबर आदिवासी दफाई पर कुछ परिवार मजदूरी करके बाहर से लौटे, जिनको शासन द्वारा कोई भी मदद नहीं मिल रही। ग्राम के लोगों ने बताया कि कई बार सरपंच से कहा कि लॉकडाउन के चलते हम मजदूरी करने नहीं जा पा रहे हैं, इसके कारण कुछ परिवारों में खाना की व्यवस्था नहीं हो पा रही, जिससे कई घरों से बच्चों के लिए खाना मांग कर खिला रहे हैं। जब लॉकडाउन के चलते जब भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अपील पर लोग घरों से बाहर नहीं निकल रहे हैं, कुछ परिवारों के घर में खाना ना होने के कारण कई जगह से खाना मांग मांग कर खा रहे हैं। जबकि देश में कोरोना वायरस को लेकर देश में हाहाकार मची हुई है। आदिवासी ज्ञाना बाई, फूलवती बाई, भारती बाई, पिंकी बाई, भगवती बाई, प्रबुदी बाई, ऐसे करीब 40 आदिवासी परिवार हैं। इनका कहना है कि अगर खाने की व्यवस्था नहीं हुई तो हम लोगों को घरों से बाहर मजदूरी के लिए निकलना पड़ेगा। छिमक से संवाददाता वीरेन पराशर की खास रिपोर्ट। आपको नहीं नहीं मिली? 2000 रुपए दिए जा रहे हैं महिलाओं को, नहीं मिले। और जो 10 किलो गेहूं, नहीं मिले। कुछ नहीं मिला? नहीं, कुछ नहीं मिला। कैसे चल रहा है आपका? मर रहा हूँ, बैठा हूँ। आपने किसी अधिकारी वगैरह से? नहीं, कोई पर्सन नहीं आए। आए नहीं हमारे, कोई नहीं आया। सरपंच सेक्रेटरी? नहीं, कोई नहीं आया। कोई भी नहीं आया? स्टार्ट। हम लोगों को तो जाना कोई पैसा खाना देवे आ रहा है ना, कुछ देवे आ रहा है। हमारे बच्चा तो भूखन प्यासन, ना पैसा ना धेला, कुछ नहीं मिल रहा। जहाँ की व्यवस्था तो कोई नहीं देख रहा, ना सरपंच ना सेक्रेटरी। अभी तक कोई गाँव नहीं? अभी तक कोई नहीं आ, ना सरपंच आ, ना सेक्रेटरी आ। का कोई मर रहा है, जी रहा है, कुछ देख भी नहीं आ। जहाँ तक जो शासन से जो कुछ मिल रहा है, कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं दिया। जहाँ तक 10 किलो गेहूँ मिल रहा है, ना 10 किलो गेहूँ दाए, ना जे 2000 रुपया जाया है। कछु कछु बहनन को भाइयन को मिले हैं, कछु को मिली नहीं। बेचारी रीति जा था, रीति भगया था बैंक में से। ऐसे जे टाइम पे तो आप